अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है और इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बाद अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझाऊंगा डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निम्न ताप क्रम पर। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहां पे ऑप्शन बी ही क्यों करेक्ट हुआ। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी पी समानुपाती टी, ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो जहां पे पी क्या है, पी से हमारा मतलब हो जाएगा प्रेशर यानी दाब से, ध्यान रखिएगा पी से हमारा मतलब हो जाएगा प्रेशर यानी दाब से, और टी से हमारा मतलब क्या हो जाएगा टेम्परेचर यानी ताप से, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे P is directly proportional to T है, यानी P समानुपाती T आपका यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दाब का मान बढ़ेगा तो ताप का मान भी बढ़ेगा, अगर दाब का मान घटेगा तो ताप का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए, यहां पे दाब को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए जब दाब कम हो जाएगा तो यहां पे ताप भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब ताप कम हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जल उबलेगा वो निम्न ताप क्रम पर उबलेगा, इसीलिए यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हुआ है, क्योंकि यहां पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा यदि दाब कम कर दिया जाए तो जल उबलेगा। अब जब यहां पे दाब को कम किया जा रहा है तो ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप भी कम हो जाएगा, क्योंकि P is directly proportional to T है। जब यहां पे ताप कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जल उबलेगा वो निम्न ताप क्रम पर उबलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझा दिया है। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लर्न करते तो आपको प्रॉब्लम होती, आप क्वेश्चन को भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहां पे लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा, और कभी कभी क्या होता है दो क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मैंने आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, अगर इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ H2SO4,
ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में हमें यहां पे S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, सल्फर की निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, H2 लिखा है। H से हमारा मतलब हाइड्रोजन से होता है और कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है और कितने हाइड्रोजन है, दो है, तो 2 × 1 = 2। यानी H2 की जगह हम क्या लिखेंगे, H2 की जगह हम यहां पे लिख देंगे 2, यानी 2, ये मैंने लिख दिया। फिर प्लस का साइन यहां पे लगाऊंगा। अब यहां पे S की ऑक्सीकरण संख्या यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी होती उसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, X मान लिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर O4 लिखा है। O से मतलब ऑक्सीजन से, और कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है यहां पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 × -2 = क्या आ जाएगा, -8। अब यहां पे ये -8 और यहां पे ये प्लस का साइन, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी O4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे -8। ये प्लस का साइन यहां से हटेगा, -8 और = यहां पे क्या आएगा, 0। 0 क्यों आया, क्योंकि H2SO4 के ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए ये -8 है और आगे आपका +2 है। ये -8 और +2, माइनस प्लस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा। सॉल्व करने पर अगले स्टेप में क्या आएगा, x तो रहेगा ही और -8 और +2 लेस होगा। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -6। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए -8 यहां पे बड़ा है, माइनस साइन बड़ा, और +2 यहां पे छोटा है, माइनस प्लस मिलके लेस तो हो जाएगा, और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, -6 और = यहां पे 0, ये आपका रहेगा ही। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, तो x = ये -6 जब इसको बराबर के इधर लाएंगे, 0 तो यहां पे बराबर के इधर है ही, जब -6 बराबर के इधर आएगा, इधर आके +6 हो जाएगा, 0 +6 करेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। यानी अगले स्टेप में आपको x = क्या मिल जाएगा, x = आपको मिलेगा 6, यानी +6, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को हमने x माना हुआ था और x की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है 6, या फिर आप बोल सकते हैं +6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख रहे होंगे, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आपको यहां पे डिटेल में बताया, एक एक स्टेप। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लगातार 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है 10.0 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपरोक्त प्रेक्षण सहमत है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 और फिर उसके बाद 2020। लगातार 2 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आपसे 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो देखिए आंकड़े आपके सेम सब कुछ यही लिखे हुए थे। अब इसकी जगह जो लिखा है यहां पे उपरोक्त प्रेक्षण सहमत है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था कि दिया हुआ आंकड़ा किस नियम का समर्थन करता है, यह आपका लिखा हुआ था बस। और ऑप्शन में यहां पे जैसे यहां पे एक जगह निश्चित अनुपात के नियम से यह लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ था उपर्युक्त सभी, बस यहां पे इतना चेंज किया गया था। और इसे चेंज नहीं बोलते, क्योंकि जब आंकड़े ही नहीं बदले गए तो क्वेश्चन तो आपका सेम वही हुआ, आंसर भी वही सेम आएगा। तो 2019 में भी आया और सेम यही क्वेश्चन आपका 2020 में आया। 2020 में इस तरीके से पूछा गया था। तो आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, 2019 का और 20 का यही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा। देखिए क्या दिया, CaCO3, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन में CaCO3। जब रिएक्शन करेंगे, गर्म करने की बात हो रही है, गर्म करने की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ, ये सिंबल मैंने बना दिया। गर्म करने की बात हुई, गर्म करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2 यही मिलेगा। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए मात्रा कितनी दी गई है। देखिए 10.0 ग्राम CaCO3, CaCO3 की मात्रा, या फिर आप द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, जो कि कितना दिया 10.0 ग्राम, या फिर आप लिख सकते हैं 10 ग्राम, क्योंकि इसका मतलब 10 ग्राम ही होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 10.0
ग्राम, ये आपकी CaCO3 की मात्रा, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होती है गर्म करने पर CaO प्लस CO2, ये मिल रहा है। अब देखिए CaO की मात्रा या फिर द्रव्यमान कितना दिया यहाँ पे, जो कि दिया है 5.6 ग्राम, ये आपका दिया हुआ है CaO का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5.6 ग्राम CaO देता है, तो CaO की जगह हम क्या लिखेंगे 5.6 ग्राम, ये इसकी मात्रा दी है, या फिर आप द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे CO2 की देखें, CO2 की कितनी दी गई है 4.4 ग्राम दी गई है इसकी मात्रा या फिर द्रव्यमान, तो CO2 की जगह हम क्या लिखेंगे 4.4 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको समझा दूँ, देखिए ये जो CaCO3 है ये क्या है, ये यहाँ पे अभिकारक है, क्या है CaCO3 अभिकारक है, और जब यहाँ पे गर्म करते हैं रिएक्शन जो होती है, जो हमें यहाँ पे मिला CaO प्लस CO2, ये क्या है, ये उत्पाद है, क्या है ये उत्पाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जब रिएक्शन हुई गर्म करने पर CaO प्लस CO2 मिल रहा है, ये आपका उत्पाद है, और मात्रा कितनी दी गई है या फिर आप द्रव्यमान बोल सकते हैं, देखिए CaO की मात्रा या फिर द्रव्यमान कितना दिया है 5.6 ग्राम, ये दिया है, ये मैंने लिखा, और CO2 का कितना दिया है 4.4 ग्राम, ये आपका दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6, 4, 10, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, कैरी 1 आएगा 5, 4, 9, और जो एक कैरी यानी हासिल आया है उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10, और पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा ही देंगे यहाँ पे बीच में, तो 10.0 ग्राम। ये देखिए जो उत्पाद मिला हुआ है इनको जोड़ने पर, जो मात्रा यहाँ पे दी गई थी या फिर आप द्रव्यमान बोल सकते हैं CaO प्लस CO2 की, जब इन दोनों को ऐड किया तो फिर से हमें क्या मिल गया 10.0 ग्राम मिल गया, यानी जो आप का पहले अभिकारक का यहां पे द्रव्यमान या फिर जो मात्रा दी गई थी कितनी थी 10.0 ग्राम, और फिर जब उत्पाद इन दोनों को ऐड किया यहां पे ऐड करने पर फिर से हमें यहां पे 10.0 ग्राम मिल गया, यानी यहां पे द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो उपरोक्त प्रेक्षण सहमत है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से सहमत है, किससे, द्रव्यमान संरक्षण के, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। बस 2019 में क्या हुआ था, 2019 में आपके यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़े चेंजेस कर दिए गए थे और आंकड़े आपके सेम यही दिए गए हैं, पेपर उठा के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। यहां पे धातुओं यानी मेटल्स की बात हो रही है, सोच समझ के इस क्वेश्चन के आंसर को आपको करना होगा, क्योंकि यहां पे धातुओं की बात हो रही है। जब धातुओं की बात होगी, चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं जब 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये नाम आपके यहां पे नहीं लिखे हुए थे, केवल सिंबल आपका लिखा हुआ था, नाम मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो करेक्ट आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा Al यानी एल्यूमिनियम, क्योंकि यहां पे धातुओं की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा भूगर्भ, ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा, भूगर्भ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पृथ्वी, क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भूगर्भ या फिर पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम ही होगा। दूसरे टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे बता दिया है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूपरपटी, क्या पूछ लिया जाता है, भूपरपटी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला
तत्व, क्या पूछा जाएगा? तत्व पूछा जाएगा, धातु नहीं पूछी जा रही है, तत्व पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर या फिर भूगर्भ में या फिर भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, अगर तत्व पूछा जाएगा भूपर्पटी में, पृथ्वी पर या भूगर्भ में, तब आपका आंसर ऑक्सीजन होगा। और अगर धातु पूछा जाएगा तब आपका आंसर एल्यूमिनियम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा? कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए ब्रह्मांड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहां पे भूगर्भ पृथ्वी या भूपर्पटी इसकी बात नहीं हो रही है, ब्रह्मांड की बात हो रही है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रह्मांड में पूछा जाएगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर हाइड्रोजन होगा। इसे नोट कर लीजिएगा, पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो टोटल 3 क्वेश्चंस यहां पे बनते जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युती तत्व है। क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युती तत्व है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए जब मैं आपको लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने 6 से 7 बार करवाया हुआ था, टेस्ट में पूछा हुआ था और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। सेम यही क्वेश्चन आपका आया भी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। कि फ्लोरीन की जगह आपको ऑप्शन में F लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे सिंबल्स आपके लिख दिए जाएंगे, क्लोरीन की जगह Cl, ऑक्सीजन की जगह O, नाइट्रोजन की जगह N लिख दिया जाएगा और फ्लोरीन की जगह F लिख दिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल सिंबल भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फ्लोरीन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। देखिए सबसे पहले नीला थोथा लिखा है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज का यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरिया का यहाँ पे लिखा है और मेथिल अल्कोहल का लिखा है। एक मिलान यहाँ पे गलत है, कौन सा मिलान गलत है यही आपको बताना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया, पेपर आप चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए जो नीले थोथे का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, यही मिलान आपका गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि नीला थोथा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, बल्कि यहाँ पे लिखा क्या है Cu2SO4.10H2O, तो ये गलत है, यही मिलान आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नीला थोथा इसका फॉर्मूला जो होता है CuSO4.5H2O होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अलावा सभी जो आपके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, यूरिया का NH2CNH2 होता है, ये भी सही है, मेथिल अल्कोहल का CH3OH होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए वाला, ये वाला मिलान आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन यहां पे है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा Ni। Ni से हमारा मतलब किससे होता है? निकल से होता है, ये आपको ध्यान रखना, किससे? निकल से होता है, यानी वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है निकल को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर एट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि CaC2, देखिए CaC2 से हमारा मतलब क्या होता है, इससे हमारा मतलब होता है कैल्शियम कार्बाइड से। ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि CaC2 से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं आपको सबसे पहले करेक्ट आंसर इसका बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी इसके साथ ठंडे पानी की क्रिया कराकर, यानी CaC2 से, यानी कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है, तो इसके साथ ठंडे पानी की अभिक्रिया कराकर या फिर क्रिया कराकर, किसके साथ, CaC2 के साथ। तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं, रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी। देखिए CaC2 से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड से, तो CaC2 प्लस 2H2O गैप्स, हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा C2H2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, यही जो हमें मिल रही है ये गैस हो जाएगी, और प्लस CaOH का होल ट्वाइस ये हमें यहां पे मिलेगा। तो C2H2 यही तो हमें गैस मिल रही है, यानी CaC2 से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके साथ ठंडे पानी की क्रिया कराकर, या फिर ऑप्शन में आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जल की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि जल से अभिक्रिया कराकर, क्या मिल सकता है यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ, जल से अभिक्रिया कराकर या फिर पानी से अभिक्रिया कराकर, क्योंकि 2002 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन में आपका यही लिखा हुआ था कि इसके साथ ठंडे पानी की क्रिया कराकर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपकी बुक में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपका नहीं दिया गया है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो CaC2 से यानी कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्राप्त की जा सकती है, इसके साथ ठंडे पानी की क्रिया कराकर या फिर अभिक्रिया कराकर, रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ Ni की उपस्थिति में, यानी निकिल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, पूरी बुक चेक कर लीजिएगा अरिहंत की, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं आपको, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे मेथेन। अब मेथेन कैसे आएगा, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ Ni की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त गैस है। तो देखिए जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 गैप्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी, Ni की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा Ni, ये लिख दिया, और 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, तो नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, ये मैंने लिख दिया, रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, CH4 प्लस H2O ये मिलेगा, तो ये पूरी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CH4 हमें मिल रहा है, यानी मेथेन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जाता डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये क्वेश्चन मैं आपको ना करवाता तो आप लोग हो जाते कंफ्यूज, क्योंकि बुक में अरिहंत की आपके ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, और किसी भी अदर बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम 1996 में, और यही सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पुराने पेपर्स आपके पास है, सॉल्व पेपर्स आप लोगों ने लिए होंगे, वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे केमिस्ट्री के, इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और वैसे तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है कि बॉक्साइट अयस्क से NaOH की क्रिया से बनता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में पूछा गया है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन एक से दो बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आया हुआ है, आप पेपर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट अयस्क से NaOH की क्रिया से बनता है, तो बॉक्साइट अयस्क इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन करके आपको दिखा देता हूं, Al2O3.2H2O plus 2NaOH, ये आपकी रिएक्शन जब होगी तो यहां पे क्या होगा, 2NaOH gaps, हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा 2NaAlO2 plus 3H2O। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। देखिए रिएक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, Al2O3 plus 2H2O plus 2NaOH gaps, हमें यहाँ पे मिला 2NaAlO2 plus 3H2O, जो यहाँ पे हमें ये मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है फिर इसके बाद NaAlO2, ये हमें मिला हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया है NaAlO2, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, ये देखिए NaAlO2, इसको हम जानते हैं किस नाम से, इसको हम जानते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से, ऑप्शन में आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए जब बॉक्साइड को पीस कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का घोल बनता है, रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप एक बार चेक नहीं करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं आपको इन टाइप के क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, और यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपको कोई नहीं करवाता, तो इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।